काफी चीज मेरा नाम सफदर अली खान, कंपनी का नाम बादशाह फूड कंपनी। किसानों की खुशी यहाँ अच्छी है, वो उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर जो यहाँ आरती है बेचारा वो परेशान है, क्योंकि उसको अच्छा खरीदार नहीं मिलता है। जो भी खरीदार मिलता है पैसा लेता है फिर देता नहीं है, इसलिए सोच समझ के देना पड़ता है ना, किस खरीदार को दो किसको नहीं दो। तो बाकी माल इस साल आधा ही है समझो, 50% 55% यही माल है, तो इस साल रेट अच्छी रहेगी। रेट गाला जो है, गाला 1000 से 1400 रुपये बिका है, 1000 से 1400, जो 1400 बिका है उसका वज़न था 12 किलो, जो 1000 रुपये बिका है उसका वज़न था 10 किलो गाला का, और बाकी जो आ रहा है जीरो मैन आ रहा है, बाकी चीज़ आ रहा है वो 700 800 10 किलो का डब्बा, 12 किलो का डब्बा बिकता है। ग्रोवर्स के लिए इतना ही मसीह है कि वो अपना माल अच्छी तरह ग्रेड करे, कोई वो दो नंबर वो नंबर बेईमानी नहीं करे ग्रेड में, तो पैसा अच्छा मिलेगा। कि माल लेगा अगर उसको 10 पैसा मिलेगा तो वो दोबारा फिर आएगा, अगर उसको नुकसान हो गया तो वो कहाँ आएगा, वो फिर ये पैसा ही लेके भाग जाता है। अब्दुर्रशीद कुरैशी, कुरैशी फ्री ट्रेडर से काम कर रहा हूँ मैं यहाँ मंडी में। उससे हमारा नुकसान ही होगा, क्योंकि जो यहाँ पहले ही यहाँ से उसका नुकसान हो रहा है, अब जब बाहर का माल आएगा बाहर मुल्कों से तो उनका हमारे से कम रेट पर आएगा, तो हमारा उसमें नुकसान जा रहा है, हमारे फिर रेट पूरा नहीं आता है, फिर बाहर का माल ज़्यादा आता है, जब उनका टैक्स उसने कम कर दिया तो हमारा उसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। ग्रोवर तो फिलहाल खुश हैं क्योंकि पिछले साल से रेट अच्छा आता है, मुतमिन जाता है, लेकिन उसमें ग्रोवर की हमारी ये बात ज़रूरी है कि उसका ग्रेड ठीक होना चाहिए, नंबर दो एक नंबर में नहीं मिलाना चाहिए, कलर वाला जिसमें सफेद वाला वो कलर वाले में नहीं मिलाना चाहिए, पैकिंग साफ़ होना चाहिए और बेईमानी नहीं करनी चाहिए। बताओ ये जो आज तक आया था, जैसे बहुगोश नाशपाती आया है या बल्गेरिया आया है, वो तो पिछले साल के डबल रेट में हो गया, तो जब कुल्लू आएगा तो अच्छा वाला डिलीशियस आएगा वो भी डबल रेट में जाएगा, पिछले साल से हमारा दुगना रेट जाता है इस मंडी में। सबसे पहले आपका खैर मुकदम है, और जहाँ तक मंडी की डेवलपमेंट की जो बात आपने कही है, हमारी जो नई अभी बनी हुई कमेटी है जिसको अभी 8-10 दिन हो गए हैं, तो अभी हमने फ़िलहाल कुछ रेजोल्यूशंस पास किए हुए हैं, उसके फौरन बाद हमने जो ऑफिस का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया हुआ है, इसमें तब्दीली लाई है, और धीरे धीरे हमारे जो प्रेसिडेंट साहब के आदेश हैं हम उनको आगे लेते हुए बहुत सारी जो चेंजेस हैं वो करने जा रहे हैं मंडी में, जिसमें सबसे पहले ग्रोवर के लिए जो कमीशन का इशू है वो हमने 8% फिक्स किया हुआ है, उसमें कोई वापसी नहीं होगी। उसके बाद लेबर जो लोडिंग और अनलोडिंग का जो है वो 3 रुपये का है हमने रखा हुआ है, लेबर भी 3 रुपये, लोडिंग अनलोडिंग का 3-3 रुपये पर पेटी होगा। तो इसी हिसाब से जैसे हमने गेट पे सिक्योरिटी तैनात की हुई है एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से, बाकी जो भी डेवलपमेंट हमें दिख रही है धीरे धीरे हम उसकी तरफ जा रहे हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी जो मंडी है ये पूरे जम्मू कश्मीर में एक नमूना बने, एक मॉडल बने, और मॉडल के हिसाब से हम यहाँ पर मंडी को आगे पेश करें। बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन का भरपूर तावन है, हम डी साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं, और अपने डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर साहिबान के भी शुक्रगुजार है, हमारे AMO साहब हैं उनके भी हम बहुत मशहूर हैं कि वो वक्तन फवक्तन हमें इस बात पे जो है गाइड करते रहते हैं, और हमारे जितने भी चाहे यहाँ बाथरूम की बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सब चीज़ों को हमने एक तर्ज अमल पे एक मेंटेन्ड हिसाब में रखा हुआ है। आप बाथरूम चेक करें, यूरिनल चेक करें, पानी का जहाँ तक इशू है, शेड के जहाँ तक इशूज हैं, लाइटिंग का सब चीज़ हमने अच्छी तरीके से इनको जो है संभाल के रखा हुआ है।